नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए जो अब तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस घर का काम को किस तरीके से किया जा रहा है, इस घर का प्लिंथ हाइट क्या है, इस घर का चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, अंदर में किस तरीके से इस घर में 4 से 5 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम निकाला गया है। प्रत्येक चीज़ का जानकारी आज मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आप बहुत कुछ सीख सकते हो अपने बनने वाला घर के लिए। सबसे पहले बात कर लूँगा इस बनते हुए घर का साइज़ का, तो इस घर को 35 फीट बाय 45 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 35 फीट का फ्रंट व्यू और 45 फीट का आपको साइड व्यू देखने को मिल रहा है। अगर बात कर लिया जाए इस घर का साइड व्यू में, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे करने का कोशिश नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से नीचे में स्टेप डिज़ाइन के साथ में, जैसा कि काम इधर किया गया है, नीचे में स्टेप डिज़ाइन ले गया, फिर बॉक्स डिज़ाइन उसके साथ ऊपर में ढलाई के साथ, तो इस तरीके से यहाँ पर खिड़की का निर्माण है वो किया जाने वाला है। साथ में साइड में आपको एग्जिट डोर भी देखने को मिलेगा और उसके साथ सबसे लास्ट में इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है। सारा चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा बारी बारी से। तो यह है इस घर का साइड व्यू। इस घर का कॉर्नर व्यू का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो ये है इस घर के लिए पहला रूम जिसमें दोनों तरफ से एक एक विंडो का प्रयोग किया गया है। हालांकि विंडो जो है सेम डिज़ाइन का आपको मिलेगा, उसके साथ साथ वेंटिलेटर का प्रयोग सामने की तरफ किया गया है। इस घर का जो फर्श का हाइट है, अगर इसके बारे में जान ले तो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्राउंड के लेवल से आप देखिएगा तो लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास में इससे ऊंचा है वो रखा गया। इस लेवल पे इस घर का जो फर्श का काम है वो किया जा रहा है। कभी भी आप घर बनाइएगा तो आपके जो घर के बगल से रोड गया हुआ है या फिर जो ग्राउंड लेवल है, कोशिश करना चाहिए कि 3 फीट से ज़्यादा आपके घर का फर्श का लेवल है वो रहना चाहिए, तब भविष्य में आपको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हाइट कम रखते हो तो आपके लिए आने वाला दिन में जो आपका जो चांस रहता है नुकसान का वो हो सकता है, क्योंकि जब आपके अगल बगल का जो रोड रहता है वो दिन प्रतिदिन जब मरम्मत किया जाता है तो ऊपर होते रहता है, लेकिन जो आपका घर का फर्श का हाइट रहता है वो वहीं रहता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका घर नीचे हो गया और रोड बनते बनते ऊपर चला गया, तो ऐसा में पानी वगैरह निकलने में आपको दिक्कत होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रोड से कम 3 से 4 फीट के आसपास में आपको अपने घर का जो फर्श है उसका ऊपर रखना है आपको। इसका फर्श का जो हाइट पर बीम लगाया गया जिसे हम लोग प्लिंथ बीम के नाम से जानते हैं, इसका क्या साइज़ है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देख सकते हो पर 10 इंची पर 10 इंची का प्लिंथ बीम का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हो इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से ये बीम है, चाहे बात किया जाए अंदर से या फिर बाहर से, जो भी आपको बीम नज़र आएगा वो सारा बीम का साइज 10 इंची बाय 10 इंची का है और इसमें आप 4 सरिया का इस्तेमाल कर सकते हो 12 mm का। कॉलम का बात किया जाए तो कॉलम का साइज़ को यहाँ पे 9 इंची पे 12 इंची का रखा गया है। देख सकते हो 9 इंची बाय 12 इंची का ये कॉलम है और इसमें 6 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। प्रत्येक कॉलम का वही कहानी है, तो ये एक अच्छा कदम है। अगर आप इस तरीके से बनाते हो अपने घर को 9 इंची पे 12 इंच के कॉलम के साथ, तो इजिली आप 2 से 3 तला तक आप अपने घर को ले जा सकते हो। तो देखिए ऐसा काम इस घर का फ्रंट और साइड व्यू में किया जा रहा है। अब चलते हैं इस घर का अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से इसका काम किया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको जो इसका फ्रंट एलिवेशन है 10 सेकंड में बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका फ्रंट एलिवेशन आपको फिनिशिंग के बाद दिखने वाला है। ये रहा इस घर का मेन एंट्रेंस, देख सकते हो ऊपर में आर्क शेप का काम किया गया है। इधर आपको मिल गया पहला विंडो जो इस घर के लिए किचन है, ये मिल गया आपको इस घर के लिए पूजा रूम सामने की तरफ से ही, और ये आपको मिल गया इस घर के लिए पहला रूम। कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू आने वाला दिन में आपको मिलने वाला है। छत के ऊपर में एक सुंदर सा पैरापेट वाल का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद इस घर का सुंदरता है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। वेंटिलेटर की बात किया जाए, देख सकते हो एग्जॉस्ट फैन के रूप के लिए वहाँ पर आपको गोलाकार जगह मिलता है, ये पूजा रूम में एग्जॉस्ट फैन आप लगा सकते हो। उसके साथ ये जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो इस घर के लिए रूम है पहला, वहाँ पे वेंटिलेटर के लिए यहाँ पे जगह है वो छोड़ा गया है। तो इस तरीके से फ्रंट भी भाई, चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है। ये देखिए इस घर के लिए मेन गेट होने वाला है 4 फीट साढ़े 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज़ का ये मेन गेट है। ऊपर में आर्क शेप का प्रयोग भी यहाँ पे किया गया था कि घर का जो लुक है उससे बढ़ाया जा सके। घर में घुसने के साथ आपको बड़ा साइज़ का मिलता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। देखिए इस इतना बड़ा आपको इस घर के लिए हॉल और डाइनिंग एरिया के रूप में जगह है वो
मिल जाता है। लगभग 30 फीट के आसपास का जगह आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक देखा जाए तो 30 फीट के आसपास का जगह है वो खाली है, और यहाँ से यहाँ तक बात किया जाए तो लगभग 12 फीट के आसपास का जगह आपको मिल जाता है। तो 30 फीट पे 12 फीट के आसपास का जगह जहाँ पे कॉर्नर पे एक छोटा सा हॉल में ही पूजा रूम का निर्माण है वो किया गया, अभी आपको दिखाऊंगा उधर से चल के। फिर सामने की तरफ देखिएगा तो इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण किया जा रहा है, ये देख सकते हो इस तरीके से किया जा रहा है। लेफ्ट साइड का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो राइट साइड का कंस्ट्रक्शन किया गया है उसके बारे में बताऊँगा। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप भले बात इस सब चीज़ को समझ पाओ, एक बार बता दूंगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो सामने की तरफ हॉल में आपको मिल जाता है टॉयलेट बाथरूम, लेफ्ट साइड की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको घुसने के साथ ही ये मिल जाता है आपको इस घर के लिए किचन, 3 फीट बाय 7 फीट का दरवाज़ा के लिए यहाँ पर जगह है वो छोड़ा गया है, ये देख सकते हो। और जैसे ही आप किचन में एंटर करते हो, किसी भी किचन में आप जाइएगा, सबसे पहले जो आपके मन में दिमाग में सवाल आता है कि आगे इसका प्लेटफॉर्म किस तरीके से बनाया गया, तो देखिए यहाँ पे एल शेप का किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसका निर्माण है वो किया जा रहा है, ये देख सकते हो। सिंक का जो जगह है वो थोड़ा गलत लगाया गया है, आप देखिएगा बिल्कुल कॉर्नर पर लगाया गया है, कॉर्नर पर लगाने से क्या नुकसान होता है उसको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ देखिए इसके ऊपर में एक और यहाँ पे स्लैब रखा गया है और लिंटर लेवल पे एक और यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग किया गया, टोटल 3 स्लैब के साथ इस घर का जो किचन है उसका निर्माण को किया जा रहा है। यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह है, यहाँ पर इस घर के लिए किचन है उसके लिए विंडो यहाँ पर दिया गया है। देखिए कभी भी आप कॉर्नर पर रखते हो सिंक, पहले तो आपको कॉर्नर पर रखना नहीं चाहिए, आपको सिंक का जगह या तो इधर साइड में रखिए या फिर आप उधर साइड में रखिए, और अगर ऊपर में स्लैब है तो कभी भी उसके नीचे में आपको सिंक नहीं रखना, जैसे कि यहाँ पे गलत काम किया जा रहा है। देखिए कभी भी आप यहाँ पे आते हो, सपोज डेट आप आ रहे हो यहाँ पर बर्तन रखने के लिए जाते हो तो आपको रखने में नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो स्लैब है, यहाँ पर कई बार आप इस तरीके से टकरा सकते हो, आपको उतना कम्फर्टेबल कभी भी महसूस नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप वाल मिक्सर वगैरह लगा रहते हो तो आपको यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि इसके ऊपर में देख सकते हो ये स्लेब है, ये छज्जा है, कास्टिंग है वो किया गया है। तो कभी भी इस तरीके से आपको कॉर्नर पे ये सिंक का काम नहीं करवाना है, आपको साइड में रखना है ताकि पूरा ओपन आपको ऊपर की तरफ मिल जाए। प्लेट रखने हो या फिर निकालना हो या फिर आप वाल मिक्सर का प्रयोग जो नलका वगैरह यूज़ करते हो उसमें किसी भी तरह का दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप यूज़ करते हो। लेकिन कॉर्नर पर लगाते हो बहुत बार आपको नुकसान इसका उठाना पड़ता है, एक गलती को के चलते आपको बार बार दिन में कई बार आपको ये एहसास होगा कि आपने घर बनाने में गलत काम किया गया। तो इस तरीके से कॉर्नर पर कभी भी सिंक के लिए जगह ना दे, अगर उसके ऊपर में स्लैब वगैरह देना है तब तो और भी आपको ये जो सिंक के लिए जगह है वो नहीं देना है। तो ऐसा यहाँ पर काम किया गया है, इसलिए दिया गया था कि किचन से संबंधित सामान को रखा जा सके, लेकिन इसका जगह देखिए ये जो यहाँ पर सिंक लगा गया है जो स्लैब रखा गया है उसका जगह इधर है, देख सकते हो जहाँ पर आप किचन बनवाए हो, जहाँ से घर में किचन में आप एंटर करते हो तो इसके ऊपर में आप चाहो तो यहाँ पे लिंटर लेवल पे बना सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लिंटर बीम के साथ आप करवा सकते हो या फिर इधर साइड में भी करवा सकते हो। तो इस तरीका से आपको बचना चाहिए और सही जगह पे ही इस तरीका से जो स्लैब है उसका निर्माण को करवाना चाहिए। तो ऐसा काम आपने देख लिया, घुसने के साथ आपको मिल गया था यहाँ पर किचन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम, और उधर इस घर के लिए मिल जाता है मास्टर बेडरूम। जो पहला रूम है उसे आप देखिए, फिर मैं आपको इस घर के लिए मास्टर बेडरूम को भी दिखाऊंगा। ये रूम है, इसको आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लगभग 3.5 फीट बाय 3.5 फीट का साइज़ का यहाँ पे विंडो मिल जाता है, और इसके साथ साथ वेंटिलेटर ऊपर में देखने को मिलता है। हालांकि और विंडो का साइज़ बड़ा यहाँ पर किया जा सकता था, कम से कम 4 फीट की ऊँचाई आपको रखना चाहिए। और इसके साथ इस घर के अंदर में ही आपको यहाँ पर मिल जाता है एक बनता हुआ, इसको आप अलमीरा बोल सकते हो, ये ब्रिक वर्क किया गया, ऊपर में स्लैब कास्टिंग कर लिया गया है। उसके बाद आप चाहो तो ग्रेनाइट या मार्बल के साथ भी इसका जो स्लैब का, जैसे हम लोग पहले जमाने में स्लैब लगाते थे उसका जगह में आप काम करवा सकते हो, मार्बल और ग्रेनाइट के सहारे आप इस तरीके से इसका जो अलमीरा का काम है उसे करवा सकते हो। तो ऐसा काम यहाँ पर किया जा रहा है, ये पहला रूम था। हालाँकि साइज़ की बात कर ली जाए तो लगभग 11 फीट बाय 12 फीट के आसपास का ये रूम है एक विंडो के साथ, और ये जो आप रूम देख रहे हो कॉर्नर पे, ये इस घर के लिए मास्टर बेडरूम होने वाला। मास्टर बेडरूम कैसे बनाया जा रहा है आइए देखिए सीखिए। यहाँ इस घर के लिए रूम के लिए मेन दरवाज़ा आ जाएगा, और इसके साथ साथ इसी रूम के अंदर में इधर देखिएगा तो आपको एक टॉयलेट और बाथरूम बनाया जा रहा है, जो कि अटैच टॉयलेट बाथरूम है इस रूम के लिए, देख सकते हो ऐसा काम है वो किया गया है। और एक और गलत है हमें यहाँ पर काम किया जाएगा तो बाथरूम बनाया जा रहा है, यहाँ पर जो वेंटिलेटर है वो यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। तो आपको इस तरीके से ऊपर वाला जो जगह है उसको आप स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो, इस तरीके से सेल्फ लगा रहे हो तो आपको वेंटिलेटर भी देना चाहिए नीचे में, ताकि जो इसका गैस है वो बाहर की तरफ निकल पाए।
उसके साथ साथ ये जो रूम है देख सकते हो, इसी रूम के अंदर में ये टॉयलेट बाथरूम बनाया जा रहा था, और ये जो इस रूम का काम किया गया उसको देख सकते हो। डबल विंडो के साथ यहाँ पे इस घर के लिए जो विंडो है उसका काम किया गया है। वेंटिलेटर भी है, आप देख सकते हो इस तरीके से वेंटिलेटर लगाया गया है। डबल बेडरूम, डबल जो विंडो है उसके साथ काम यहाँ पे किया जा रहा है, आप देख सकते हो। इसमें किसी भी तरह का वार्डरोब या फिर जो सामान रखने के लिए अलमीरा रहता है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आपने देखा अब तक किस तरीके से आप घर में इंटर करते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉल, यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पूजा रूम, ये देख सकते हो। इधर मिल गया आपको किचन, यहाँ पे आपको मिल गया पहला रूम, उसके साथ साथ इधर आपको मिल गया इस घर के लिए तीसरा रूम, जो किस घर के लिए मास्टर बेडरूम होने वाला है। इधर आपको मिल गया टॉयलेट बाथरूम। इधर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको मैं आप दिखाऊंगा। किचन हो गया, पहला रूम हो गया, दूसरा रूम हो गया, यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए टॉयलेट बाथरूम। उधर आपको मिल जाता है कुछ खाली जगह, और इसके साथ साथ वो खाली जगह है देख सकते हो, आप चाहते हो उसको रूम भी बना सकते हो। उसके साथ इस घर के लिए चौथा रूम हो गया देख सकते हो, यहाँ पे आपको इस घर के लिए पांचवा रूम हो गया। ये तो पूजा रूम आप देख ही चुके हो कि किस तरीके से हॉल के ही एक कॉर्नर पर इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया। एक बार फिर से बताऊँगा, अगर कन्फ्यूज़ हो कि कहाँ पर किस चीज़ को बनाया जा रहा है, एक बार फिर से आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा, आप देखिएगा। तो जो पहले का जो यहाँ पे रूम का जो निर्माण था किया हुआ, जिसको मैंने आपको बाहर से देखा, तो उसको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। डबल विंडो का प्रयोग यहाँ पे, उसके साथ साथ वेंटिलेटर एक सामने की तरफ देख सकते हो। इस घर के अंदर में छज्जा भी आपको देखने को मिलता है, देख सकते हो इस तरीके से छज्जा लिंटेल लेवल के साथ में यहाँ पे किया गया। यहाँ पे सही काम किया गया है कि दरवाज़ा के जस्ट ऊपर में छज्जा का निर्माण है वो करा लिया गया है। तो इस तरीके से छज्जा आप देख पा रहे हो, और इसके साथ साथ इस घर के लिए ये जो रूम है इसे भी देखिए, यहाँ पे भी एक आपको विंडो देखने को मिलता है। वेंटिलेटर हालाँकि देना आपको बहुत ज़रूरी रहता है, विंडो लगा तो उसके साथ साथ वेंटिलेटर भी आपको देना चाहिए, हालाँकि यहाँ पर नहीं दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा तो ये स्लैब के साथ साथ इस घर का जो छज्जा का निर्माण है वो किया जा रहा है। तो ऐसा काम यहाँ पे किया जा रहा है, आप देख सकते हो। इसके साथ साथ जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे चलेंगे और देखेंगे कि कैसा काम किया जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये खाली जगह है, इस तरीके से विंडो है, एक एग्जिट डोर यहाँ पर लगाया गया है। और इसके साथ साथ आप देखिएगा तो इस घर के पीछे की तरफ जो सीढ़ी बनने का काम है वो चल रहा है, ये देख सकते हो इस तरीके से सीढ़ी बनाने का काम है वो चल रहा है। और सीढ़ी का जो निर्माण किया जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज किया जा रहा है, इससे आपको बचना चाहिए। देखिए इस तरीके से सीढ़ी बनते हुए ऐसे फ्लैट और लैंडिंग पार्ट आता है, उसके बाद फिर सेकंड फ्लैट पार्ट आता है, फिर छत में जाते हो। तो इस तरीके से आपको घुमा हुआ सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज जाइए, आपको क्लॉकवाइज सीढ़ी बनना चाहिए, मतलब यहाँ से सीढ़ी बनना स्टार्ट होना चाहिए, इस तरीके से आते हुए ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ये सीढ़ी का निर्माण आप देख पा रहे हो। इस घर के लिए जो बाहरी दीवार बनाया गया है वो 10 इंची का है, देखिए ये 10 इंची के साथ इस घर का जो दीवार है उसका काम है वो किया जा रहा है, आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ इस घर के लिए जो अंदर का काम किया गया है, ये देख सकते हो जो पार्टीशन वाल के रूप में ये 5 इंची का ही यहाँ पे किया गया है। प्रत्येक घर का पार्टीशन वाल को 5 इंची का रखा गया है, चाहे बात किया जाए इस दीवार का वो, या फिर या पूजा रूम हो, ये देख सकते हो पूजा रूम हो, या फिर इसके साथ साथ उधर आप देख सकते हो किचन हो, टॉयलेट हो, बाथरूम हो, रूम हो, प्रत्येक में आपको 5 इंची का काम यहाँ पे किया हुआ मिल रहा है। तो ऐसा काम इस घर में किया जा रहा है। इस घर का फर्श वगैरह का काम देख लिया जाए तो जो डस्ट आता है उसका फिलिंग के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है। और ये बीम जो आप देख रहे हो 10 इंची बाय 10 इंची का ही है, जहाँ पे भी पार्टीशन वाला है, प्रत्येक पार्टीशन वाला के नीचे आप बीम देख पाओगे, चाहे वो दीवार बाहर का हो या फिर अंदर का हो। देखिए बिना पार्टीशन वाला का आपको एक दीवार नहीं है, आपको नीचे में जो इसके लिए पार्टीशन वाला उसके नीचे में आप देखिएगा तो बीम का प्रयोग ज़रूर किया गया। तो ऐसा काम आपको करवाना चाहिए, तभी जाके घर आपका मजबूत हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बाद में जो पार्टीशन वाला है उसका प्लानिंग करते हैं, नीचे में बीम देना भूल जाते हैं, तो वैसे में जो आपका घर का जो दीवार है कुछ साल के बाद धंसने लगता है, फिर आपको कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए ऐसा काम इस बनते हुए घर में आप तक के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप काम दिखेगा, ब्रिकवर्क का हो या फिर कॉलम कास्टिंग का हो या फिर बीम कास्टिंग का हो, एक अच्छे फिनिशिंग के साथ इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए एक बार और मैं आपको फिर से इसका वॉक थ्रू का एक शॉट दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए वहाँ से आप घर में एंटर करते हो, यहाँ पे आपको मिलता है पूजा रूम, इधर आपको मिल जाता है एक बड़ा साइज का हॉल। अब मैं आपको मेन दरवाज़ा पर जाके खड़ा होकर बताना चाहता हूँ किस तरीके से इस घर का कंस्ट्रक्शन को किया गया है। चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर खड़ा होकर।
कि घर में घुसने के समय आपको कैसा लगेगा। देखिए यहाँ पे घर पे आप आ जाते हो मेन गेट पे, जैसे ही आप घर में आते हो तो आपको मिल जाता है एक बड़ा साइज का हॉल, उधर मिल जाता है टॉयलेट, ये मिल गया बाथरूम, यहाँ पे हम लोग किचन, ये मिल गया आपको पहला रूम, उधर मिल गया दूसरा रूम, उधर मिल गया आपको खाली जगह, यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए चौथा रूम, ये मिल गया पांचवा रूम, यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए ये देख सकते हो कुछ इस तरीका से बना हुआ पूजा रूम, ये आप देख सकते हो। इसके साथ साथ उधर खाली जगह है, उसके पीछे की तरफ इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है। तो इस तरीका से ये बनता हुआ घर है। तो दोस्तों आपको ये 35 फीट बाई 45 फीट पर बनता हुआ घर का काम कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता लीजिएगा। और भी बहुत सारा घर का डिज़ाइन और वीडियो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जिन्हें प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।